डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और रोमांचक भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजदीप है और मैं हरियाणा के अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको हमारे घर में घटी 3 साल पुरानी डरावनी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। उस समय मैं नई ग्रेजुएशन करके हटा था। तब मेरे भैया जी एक बड़े से शोरूम में कैशियर का काम करते थे। मेरे पापा की मौत उसी समय हो चुकी थी जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, इसीलिए मेरे बड़े भैया काफ़ी छोटी उम्र में ही काम पर लग गए थे। उन्होंने कई जगह पर काम किया और आखिर में उन्हें इस बड़े से शोरूम में कैशियर का काम मिल गया था। हमारा घर बार भी इसी से चलता था और मेरी पढ़ाई का खर्च भी भैया यहीं से निकालते थे। अब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी थी, इसलिए भैया चाहते थे कि मैं भी वहीं पर काम करूँ। शुरू में मैं मना कर रहा था क्योंकि मैं और अच्छी जॉब करना चाहता था, लेकिन भैया हमेशा से कहा करते थे कि जब भी मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो मैं वहाँ पर काम पर लग जाऊँ। वहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं और वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। घर में हमें जब भी कोई परेशानी होती है वो सबसे पहले वहाँ आकर हमारी मदद किया करते हैं। मेरे भैया जी उन्हें अपने परिवार की तरह समझते थे, इसलिए मुझे भी उस शोरूम पर काम पर लगवाना चाहते थे। उन्होंने एक नया शोरूम काफ़ी दूर खोला था जिस पर मुझे कैशियर का काम मिलने वाला था, लेकिन मैं इतना दूर जाकर काम नहीं करना चाहता था। वहाँ से आने जाने में ही 1 से 2 घंटे का समय लग जाता और मेरे घूमने फिरने का समय बिल्कुल नहीं बचता। तो भैया ने कहा कि वो उस नए शोरूम पर काम पर लग जाते हैं और ये पुराने वाले पर मैं काम करना शुरू कर दूँ। मैं इससे खुश हो गया था और यहाँ पर इसीलिए मैं काम करना शुरू कर चुका था। लेकिन अब भैया को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी क्योंकि वो दूर वाले शोरूम में उन्हें जाना पड़ रहा था। मैं तो घर लगभग 7 बजे के करीब पहुंच जाता, लेकिन भैया रात के 9 बजे घर पहुंचते। उन्हें यहाँ पर बढ़ी हुई तनख्वाह भी मिल रही थी, इसलिए वो भी थोड़ा खुश थे। लेकिन उनका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा था, वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि दूर वाला शोरूम मैं संभालूं और वहां पर कमरा लेकर रहना शुरू कर दूं, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी छोड़ना नहीं चाहता था और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहता था। भैया अब दूर से आते समय ज़्यादा हो जाता, अंधेरा होता और उन्हें 2 किलोमीटर तक तो चलना ही पड़ता। यहाँ पर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और वो रिक्शा लेकर भी घर नहीं आ सकते थे क्योंकि उस समय काफ़ी अंधेरा हो चुका होता और उन्हें कोई रिक्शा कोई भी बस नहीं मिलती जो हमारे घर तक पहुंचती हो। लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक हमारे घर में कोई परेशानी नहीं हुई। भैया बस थोड़ा देर से आते और फिर वो आकर खाना खाकर सो जाते और सुबह भी उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता। लेकिन 2 हफ्तों के बाद घर में अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई। भैया जब भी घर में आते तो उनके शरीर पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी होती, जैसे वो कहीं से झगड़ा करके आ रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होती, ना ही कोई चोट के निशान होते। हमारे घर में मम्मी हमेशा मुझसे यही बात करती कि मैं भी अपने भैया को लेने के लिए जाया करूं, ताकि उनको अगर कोई परेशानी हो रही है तो मैं भी उसे सुलझा सकूं, लेकिन भैया हमेशा मना कर देते थे। मैं भी कभी कभी बुरा महसूस करता क्योंकि मेरे ही कारण भैया को वो दूर वाले शोरूम में जाना पड़ता है और आते वक्त उनके साथ कुछ तो होता है जिस कारण उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती है। मैं बार बार भैया से पूछता जा रहा था, लेकिन भैया कोई जवाब नहीं देते, बल्कि वो घर आकर खुद हैरान हो जाते कि उनके शरीर पर इस तरह से मिट्टी क्यों लगी हुई है। बार बार ऐसा होता जा रहा था और हर रोज़ की यही बात घर में चलती रहती। वो जब भी घर पहुंचते शरीर से मिट्टी झाड़ने लगते और ये कहते कि ये मिट्टी कहाँ से आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता, जैसे शरीर से हर रोज़ मिट्टी चिपक जाती है और वो तो मिट्टी को छूते तक नहीं,
घर में भी उन्हें मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो घर को हमेशा साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। ज़रूर ही ऑफिस में भी वो यही करवाती होंगी और मालिक भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वहाँ पर मिट्टी होती नहीं होगी। शायद रास्ते में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस कारण उनके शरीर पर मिट्टी चिपक जाती है। लेकिन ये तो वो छोटी परेशानी थी जो घर में होना शुरू हो गई थी। इससे भी बड़ी एक परेशानी थी जो हमें ज़्यादा तंग कर रही थी। भैया रात को उठते वो चलना शुरू कर चुके थे, चीखना शुरू कर चुके थे और रात को वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते। हमेशा रात को उठकर वो कुछ ना कुछ बोलने लगते, लेकिन जब हम उनकी नींद तोड़ते तो वो हैरान होकर कहने लगते, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच आया हूँ। शायद वो नींद में चलना शुरू कर चुके थे, नींद में चीखना शुरू कर चुके थे, नींद में डरना शुरू कर चुके थे। ये काम धीरे धीरे हर रात का होने लगा था। हर रात वो डरते, ऐसा एहसास होता जैसे उनके करीब कोई ना कोई है। वो उठे नहीं होते लेकिन उनके बेड पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होता। मैं भी उनके साथ वाले पलंग पर ही सोता था और वो सामान वहाँ पर कब आ जाता था मुझे पता ही नहीं चलता। कभी कभी वो सामान मेरे पलंग पर भी पड़ा हुआ होता और अब मैं सोचने लगा था कि रात को जागकर ज़रूर देखूँगा वहाँ पर होता क्या है। एक रात जब मैं जागा हुआ था तो मैंने देखा सामान अपने आप वहाँ पहुँच रहा था और भैया ऐसी हरकत कर रहे थे जैसे उनका दम घुट रहा हो। वो बार बार अपने ही हाथों से अपने गले को दबोचने की कोशिश कर रहे थे और उनकी सांस फूल जाती, उनका चेहरा जैसे लाल सा हो जाता और दम घुटने के कारण वो उठते और चीखने लगते। वो अब भी नींद में होते और हमें पानी उनके चेहरे पर मार कर उठाना पड़ता। उस रात भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने ध्यान दिया था उनके पलंग के करीब एक परछाई बार बार नजर आ रही थी। जहां पर वो परछाई नजर आती वहां पर कोई ना कोई सामान गिर जाता और पंखे की हवा में इस तरह से पहले कभी भी सामान नहीं गिरा करता था, कुछ नया हो रहा था। उस रात उठकर मैं माँ को भी लेकर आया था और माँ ने जब उस परछाई को देखा था, उस रात वो परछाई एक टेबल के पास से गुजर रही थी तभी वहाँ रखा पानी का ग्लास अपने आप गिर गया और वो इतना पीछे रखा था कि ना तो हवा के कारण वो गिर सकता था, वो किसी ना किसी के छूने के कारण ही गिर सकता था। उसे देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और भैया भी ऐसी हरकत कर रहे थे जैसे वो तड़प रहे हों, उनके शरीर में कोई अजीब सी चीज़ हो रही हो। वो जैसे गर्मी के कारण तड़प तड़प कर उठने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। अगले दिन मैंने काम से छुट्टी ले ली और भैया को बिल्कुल ये नहीं बताया। मैं माँ के साथ पास में ही एक बाबा के पास गया और बाबा ने भी ये बताया कि ऐसी हरकतें तब होती हैं जब घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो। बाबा बार बार कह रहे थे कि मुझे अपने भैया को साथ में लाना ही होगा, लेकिन मैं जानता था भैया इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते और वो यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी होगी भैया को यहाँ पर लाना। और बाबा कह रहे थे बिना भैया से मिले वो ये बता नहीं सकते कि भैया के साथ घट क्या रहा है। काफ़ी दिनों तक हम उस बाबा के पास जाती रहे और बाबा बार बार कहते रहे भैया को यहाँ पर लाना होगा, हम ला नहीं पा रहे थे। तो अंत में उस बाबा ने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर पर चलकर देखता हूँ, वहाँ जाकर अगर सच में वहाँ कोई ना कोई प्रेत है तो मुझे पता चल जाएगा। इतना कहकर वो बाबा हमारे साथ आ गया और घर में वो हर कमरे में जाकर देख रहा था, हर सामान को छूकर देख रहा था। वो बार बार भैया के पलंग को भी छूकर देख रहा था, वहाँ पर किसी तरह के मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था। और बाहर आकर वो कहने लगा घर में कोई प्रेत आत्मा तो मौजूद नहीं है, लेकिन पलंग के आसपास एक अजीब सी बुरी शक्ति का एहसास ज़रूर हो रहा है। जो भी ये प्रेत आत्मा है वो घर में मौजूद नहीं है, वो ज़रूर तुम्हारे भैया के साथ जुड़ी हुई है।
यहाँ जब भी घर के साथ कोई प्रेत आत्मा आती है तो वो घर में मौजूद रहती है, लेकिन अगर किसी प्रेत आत्मा का साया किसी इंसान पर हो तो वो उसे छोड़ती नहीं, वो हमेशा उसके साथ रहती है। और जब भी वो कमज़ोर होता है तब वो उस पर हमला करती है, और हम कमज़ोर सोते वक्त ही होते हैं, तो वो आत्मा भी जब सोते वक्त तुम्हारे भैया पर हमला कर रही होती है तब तुम देखते हो वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे भैया को मेरे पास लाना ही होगा, अगर वो मेरे पास ज़्यादा दिनों तक नहीं आए तो धीरे धीरे वो आत्मा उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगी, तुम्हें उनसे बात करनी ही होगी। बाबा ने अब साफ साफ बता दिया था कि हमें क्या करना चाहिए और हमें भैया से बात करनी ही थी, तो घर में भैया को बिठाया। मैं और मम्मी बार बार उन्हें मनाने लगे कि उन्हें बाबा के पास जाना ही होगा, हर रात उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन भैया अड़ चुके थे, वो बाबा के पास जाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो हम पर गुस्सा थे कि हम उस बाबा के पास क्यों जा रहे हैं। भैया का कहना था कि ऐसे बाबा लूटने की कोशिश करते हैं जबकि प्रेत आत्मा कुछ होती ही नहीं, और वो बाबा इस तरह से लूटेगा कि हमें बिल्कुल कंगाल कर देगा, इसलिए भैया हमें भी वहाँ पर जाने नहीं देना चाहते थे। अंत यही हुआ कि भैया माने ही नहीं और हम दोनों निराश रह गए। उसके बाद फिर से मैं सोचने लगा क्या किया जा सकता है। मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने यही कहा कि तुम्हें अब भैया के साथ रहना होगा, ये देखना होगा कि तुम्हारे भैया कहाँ कहाँ जाते हैं, और तुम कह रहे थे जब वो काम से आया करते उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई होती, अगर सच में ऐसा है तो वो किसी ऐसी जगह से आते होंगे जहाँ पर ऐसी प्रेत आत्मा का साया होगा, वहीं से वो आत्मा उनसे चिपकी होगी, तुम्हें अपने भैया के आस पास रहना होगा या ये देखना होगा वो कहाँ से आते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम भैया की रक्षा कैसे करते हो। लगभग दो दिनों तक तो मैं ये सोचता रहा कि कैसे मैं भैया के आसपास रह सकता हूँ। उसके बाद मैंने उस शोरूम के मालिक से भी बात की, मैंने उन्हें समझाया कि भैया रात को अजीब सी हरकतें करने लगे हैं, वो कम सोते हैं, डरते रहते हैं, और वो बाबा से मिले हैं और बाबा ने कहा है कि भैया पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। जब मैंने उस शोरूम के मालिक को ये सब बताया तो वो तो अपनी तरफ से और बातें बताने लगे। उन्होंने कहा कि भैया पहले तो बहुत अच्छा काम किया करते थे, लेकिन अब काम पर जैसे सोने की कोशिश करते हैं, उनकी आंखें बंद होने लगती हैं, वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, कई बार उनकी गिनती में गलती होनी शुरू हो गई है जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनकी नीयत बिगड़ने लगी है, लेकिन वो खुद उनके आसपास रहने लगे थे, वो पैसे को चुराते नहीं थे बल्कि उनसे गलती होने लगी थी, और कभी कभी उनकी आंखें सफ़ेद हो जाती जैसे उनके शरीर में कोई आत्मा आ जाती है। वो शोरूम के मालिक तो खुद हमसे बात करना चाहते थे और मैंने भी उन्हें सब कुछ बता दिया। तब मैंने उन्हें बताया कि भैया को बाबा के पास ले जाना होगा, लेकिन भैया नहीं मान रहे तो बाबा ने कहा है मुझे उनके साथ ही रहना होगा। मैंने उस शोरूम के मालिक को ये कहा कि किसी तरह से मेरी ड्यूटी भैया के आसपास लगा दें, मैं उनके साथ ही आना चाहूँगा वापस घर की तरफ ताकि देख पाऊँ उनके साथ क्या होता है। उसके बाद उस शोरूम के मालिक ने मेरी ड्यूटी भी भैया के पास उसी दूर वाले शोरूम में लगा दी और उन्होंने कहा कुछ समय के लिए वहाँ पर दोनों काम कर लो, उसके बाद यहीं पास में तुम्हें बुला लिया जाएगा, तुम पहले ये पता कर लो उनके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। वहाँ मैं भी ड्यूटी कर रहा था और भैया को थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पर खास तौर पर उस शोरूम के मालिक द्वारा मुझे भी भेजा गया है। वहाँ उस मालिक ने बहाना ही ऐसा लगाया था कि इस पास वाले शोरूम में काम की थोड़ी कमी हो गई है, दूर वाले पर ज़्यादा ध्यान करना है, इसलिए तुम दोनों भाई वहाँ पर काम करना शुरू कर दो। मैं भी उस दिन भैया के साथ ही गया था, लेकिन मैंने बहाना लगा दिया था कि मुझे यहाँ पर थोड़ा रुकना है, मैं किसी दोस्त के घर पर जाना चाहता हूँ और एक घंटा लेट आऊँगा। भैया उस दिन सारा काम समेट कर घर की तरफ निकल गए थे। उन्होंने पहले तो एक बस पकड़ी जो हमारे घर से काफ़ी दूर रुकती और वहाँ से वो चलकर आते। मैं भी छिपता छिपाता उसी बस में बैठ गया था, भैया आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था, फिर भी मैं उन पर नज़र रख रहा था।
वहां तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे ही भैया उस बस से उतरे, मैं भी उतर गया और एक खंभे के पीछे छिप गया। भैया ने कभी पीछे देखा ही नहीं, जैसे उन्हें शक हो ही ना। वो आगे बढ़ते गए। ये रास्ता काफी सुनसान था और यहां से भैया आ रहे थे, मुझे नहीं पता था। एक और रास्ता था जो थोड़ा लंबा था, लेकिन वो सुरक्षित माना जाता था। यहां पर से आना इतना सुरक्षित नहीं है, यहां तो पुराने घर हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं और पास में कब्रिस्तान लगता है जहां से रात को कोई नहीं गुजरता। मैं भैया को रोकना तो चाहता था, लेकिन मैं जो भी करना चाहता था छिपकर करना चाहता था। भैया आगे पढ़ते गए और वो उन झाड़ियों को पार कर चुके थे। यहाँ पर छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जो इन पुराने घरों के पीछे से निकलती थी और वहीं पर भैया आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और दूर एक स्ट्रीट लाइट की तरफ से यहाँ रोशनी आ रही थी, लेकिन फिर भी झाड़ियों के नीचे कुछ देख पाना काफ़ी असंभव सा कार्य था। भैया आगे बढ़ते गए और वहाँ कब्रिस्तान का गेट भी था, जिसके सामने से भैया गुजर कर आगे निकलना चाहते थे। मैं छिप कर देख रहा था, तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने भैया को पकड़ा हो। भैया वहां पर खड़े खड़े जैसे तड़प रहे थे, कोई उनके शरीर को खींच रहा था। ऐसा महसूस हुआ मुझे जैसे कोई खींच कर उस कब्रिस्तान के अंदर ले जाना चाहता था, वो नजर नहीं आ रहा था। बस भैया घिसटते हुए उस कब्रिस्तान के गेट से टकराए, उसके बाद वो गेट खोला और भैया उसके अंदर चले गए। मैं उस दीवार के ऊपर से देख रहा था, भैया नीचे तड़प रहे थे, उस मिट्टी में वो लेट रहे थे जैसे यहाँ पर वो सोना चाहते हों, और वो बार बार अपने हाथों से अपने गले को घोंटने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मोबाइल निकाला और उनकी वीडियो बना ली। मैं उन्हें ये दिखाना चाहता था क्योंकि वो तो मान ही नहीं रहे थे। मैं पूरी वीडियो बनाता रहा और मेरे मन में काफ़ी दुख हो रहा था। मैं उनकी मदद करना चाहता था और वो वहाँ तड़प रहे थे, मिट्टी में लौट रहे थे और काफ़ी समय तक वो वहीं लेटे रहे। उसके बाद वो उठे, उन्होंने अपना शरीर झाड़ा, लेकिन उनकी हरकतें अजीब थी। वो चले और घर की तरफ निकल लिए। उसके बाद मैं उनके पीछे ही था। उन्होंने घर का गेट खोला और मैं भी पीछे से आ गया और उनको कहने लगा, मेरा एक दोस्त मुझे यहाँ बाइक से छोड़ गया है, मैं भी लगभग आपके करीब ही पहुँच आया हूँ। भैया ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी और अंदर जाकर शीशे में देखने लगे जैसे ये उनका शरीर हो ही ना, ये मेरे भैया हो ही ना। शीशे में देखने के बाद ही एकदम से वो कहने लगे, ये मिट्टी आज फिर से लग गई, ये कहाँ से आ जाती है, मुझे लगता है मेरी कुर्सी पर कोई मिट्टी फेंक जाता है, जब मैं आने लगता हूँ तो मिट्टी शरीर पर लगी हुई होती है। वो मिट्टी झाड़ रहे थे और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम कब आ गए, क्या हुआ, कोई छोड़ गया क्या। मैंने भैया को कहा, अभी तो मैंने आपको बताया मेरा दोस्त बाइक से छोड़ गया है। तो भैया ने कहा, अच्छा पता नहीं तुम कब अंदर आ गए, मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद मैंने माँ को इशारा किया और भैया को हम एक कमरे में ले गए। वहाँ पर भैया को बताने लगे कि वो बाबा के पास जाना चाहते हैं या नहीं। भैया मान नहीं रहे थे, वो तो कह रहे थे कि उन पर कोई प्रेत का साया नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी पर कोई मिट्टी फेंक जाता है। जब मैंने भैया को वो वीडियो दिखाई तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें कहा, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, मैं वहाँ पर देख रहा था आप क्या करते हो। इसके बाद भैया को यकीन हुआ और अगली सुबह हमने काम से छुट्टी ले ली, मालिक भी मान गए थे। इसके बाद हम उस बाबा के पास गए। बाबा ने उस पूरे दिन तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया और हमें कहा कि घर में पूजा करवानी होगी। हमने लगभग 2 दिन बाद घर में जगराता भी करवाया और घर में पूजा भी करवाई। हमने 2 पंडित भी बुलाए थे और उस बाबा ने 1 दिन पहले घर में आकर कई मंत्रों का उच्चारण भी किया था। हमने सब कुछ किया। उसके बाद से ये भी किया कि भैया उस रास्ते पर कभी ना जाएं, भैया भी मान चुके थे। उस तरह से भैया के शरीर से वो आत्मा निकली थी और जिस रात वो जगराता हो रहा था, तब सबसे अजीब चीज़ हुई थी। जगराते में भैया का पैर जैसे अंदर आ ही नहीं रहा था, वो बार बार धकेल कर बाहर की तरफ निकल जाते और सन्न होकर अंदर की तरफ देखते रहते, जैसे वो कांप रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी।
वो कांप रहे थे और हम किसी तरह से घसीटकर उन्हें अंदर लेकर गए थे। उस रात अपने आप बिजली जैसे बंद हुई थी दो बार। किसी को पता नहीं कि हमारे घर में ही बिजली बार बार बंद क्यों हो रही थी, आसपास बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद से भैया की हालत ठीक होती गई और बाबा ने भी ये कहा कि प्रेत आत्मा का साया उनके शरीर से निकल चुका है। पंडित ने भी ऐसा ही कहा और आज भी हम उस घटना को याद करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस दिन जगराते वाली रात में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे वो प्रेत आत्मा भैया के शरीर को छोड़कर बाहर चली गई और आज तक हमें ऐसी डरावनी घटना दोबारा झेलनी नहीं पड़ी और हम बहुत खुशी खुशी अब वहीं पर रहते हैं। लेकिन भैया अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बैंक में नौकरी करता हूँ और आज मैं आपको अपने साथ घटी 4 महीने पुरानी डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। हमने यहाँ पर नया घर लिया हुआ था, लेकिन वो भी 3 साल पहले से लिया हुआ था और यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई रहता है। मेरा भाई 10वीं क्लास में पढ़ता है और उसके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके थे, लेकिन वो हमेशा से शरारती हुआ करता था। वो शरारतें ज़्यादा करता था और पढ़ाई में उसका ध्यान कम ही लगता था, फिर भी उसके नंबर काफ़ी अच्छे आया करते थे। वो जैसे बिना पढ़े अच्छे नंबर लाया करता था। वो घर में चीज़ें तोड़ा करता, शरारतें किया करता, कई बार घर में बहुत ज़्यादा गंदगी डाल देता और खेलने चला जाता। उसका ज़्यादा ध्यान खेलने में रहता और वो दोस्तों के घर में जाकर वहाँ खेला करता। उसके कई दोस्त थे, कई नए बन चुके थे तो कई बहुत पुराने थे। इसी कारण हम भी उसे रोका नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले से उसने कुछ अजीब हरकतें शुरू कर दी थी। वो पहले से हमें डराने की काफ़ी कोशिश किया करता था क्योंकि इसे हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन कुछ दिनों से वो अजीब अजीब हरकतें शुरू कर चुका था। वो दीवार की तरफ चेहरा करके खड़ा रहता और लगभग 15 से 20 मिनट तक ऐसा ही करता रहता। उसके बाद हम थोड़ा डर जाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार मैं उसके करीब जाकर देखने की कोशिश करता और जब भी मैं उसके करीब पहुंचता, वो बिना आवाज़ सुने पहचान लेता कि मैं उसके करीब आ रहा हूं, तो वो वहां से हिलकर दूसरी तरफ मुड़ जाता और कई बार वहां से दूर चला जाता। बाद में जब मैं उससे पूछता कि वो इस तरह से दीवार की तरफ चेहरा करके क्यों खड़ा था, तो वो मुकर जाता। वो कहता, मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा हूं, उसने ऐसा किया ही नहीं। थोड़े दिनों बाद उसकी आदतें और ज़्यादा अजीब होने लगी। वो हमेशा से शरारतें किया करता, लेकिन अब वो सोफे पर बैठा रहता, ना तो कुछ करता, ना पढ़ता, ना उसका खेलने का ज़्यादा मन करता, बस वो वहाँ पर बैठा रहता। मैंने खास ध्यान देना शुरू कर दिया था कि वो शाम के वक्त ही निकलता है और रात को 9 बजे से पहले घर आ जाता है। वो दोस्तों के पास जाता है और कहता है वो वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाते हैं। मैं जानना चाहता था वो कहां पर जाते हैं, क्योंकि उसकी आदतें अजीब हो गई थी। शायद उसने नए दोस्त बना लिए थे जो उसे परेशान कर रहे होंगे, इसीलिए वो दिन के वक्त खेलने ही नहीं जाता। एक दिन मैंने ये सोचा, क्यों ना मैं उसका पीछा करता हूँ, ये देखता हूँ वो कहां जाता है, क्या वहां उसे कोई परेशान करता है। मैं छिपता छिपाता हुआ उसके पीछे चलने लगा। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहा था, हर एक दोस्त के घर जा रहा था, वहाँ बैल बजाता। उसके दोस्त बाहर आते, वो क्रिकेट बैट बॉल लेकर आगे की तरफ बढ़ जाते। मैं छिपता हुआ उनके पीछे जाता जा रहा था और वो एक ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं। उसके बाद वो अलग अलग दोस्तों के घर में चला जाता है। मुझे यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो खेलकर बस अपने दोस्तों के घर जाता था, यहाँ परेशानी क्या हो सकती है। मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी तो मैं घर आ गया, लेकिन उसकी अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब वो घंटों तक दीवारों को देखता रहता,
वो किताब को बिल्कुल नहीं देखता बल्कि दीवारों को ताकता रहता और कई बार एक तरफ देखकर डर जाता जैसे कोई उसके करीब से निकला हो। उसकी आंखें किसी को देखती हुई आगे की तरफ बढ़ती जैसे कोई चलकर जा रहा हो और वो उसे नजरें टिकाकर देख रहा हो, लेकिन हमें तो कोई नजर नहीं आता। वो इतने लंबे समय तक ऐसा कुछ नहीं करता था। हमेशा वो एक दो दिन के लिए कोई प्रैंक करता, हमें डराता और बाद में सच बता देता। लेकिन अब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, उसकी अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी। हमें घर में डर लगने लगा था कहीं सच में उसके साथ कुछ हुआ ना हो। और उस रात मैं उसके साथ ही सोया था, वरना उसका कमरा अलग था। वो पहले कहता रहा कि मैं वहाँ क्यों सोना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मुझे रात को डर लगता है, मैं उसके कमरे में था। उस रात मैंने देखा वो रात के 12 बजे उठा, अलमारी के पास गया और शीशे में देखता गया। लगभग 2 घंटों तक वहाँ वो शीशे को देखता रहा था। कभी कभी उसकी आंखें बंद हो जाती, कभी कभी खुली होती और कभी कभी उसकी आंख की पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ जाती और उसकी आंखें बहुत भयानक सी नजर आती। मैंने घर में मम्मी और पापा को ये सब बता दिया था और वो थोड़ा डरने लगे थे, कहीं उस पर किसी भूत प्रीत का साया तो नहीं। उसके बाद हमने एक पंडित जी को भी दिखाया और उन्होंने कहा कि इस पर कोई भूत प्रीत का साया नहीं है, अगर इसके शरीर में कोई प्रेत आत्मा होती तो जरूर पता चल जाता। हमें उसके बाद एक बाबा को भी दिखाना था और बाबा ने भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया कि इस पर किसी प्रेत का साया नहीं है, प्रेत शरीर के अंदर हो तो पता चल जाता है। हर तरफ से एक ही तरह के शब्द सुनने को मिल रहे थे, लेकिन मेरा भाई अजीब हरकतें कर रहा था जिसका कोई जवाब नहीं था। मैं अब अपने भाई के साथ ही सोने लगा था और उसकी अजीब हरकतें बढ़ने लगी थी। अब वो कमरे के अंदर नहीं रहता बल्कि 12 बजे चलकर सीढ़ियां चढ़ता और छत पर एक तरफ घूरने लग जाता। वो किन घरों की तरफ देख रहा था मुझे नहीं पता था, लेकिन उस दिशा में उसके दोस्तों के घर थे। मैं एक तरफ खड़ा होकर ये देखने की कोशिश करता रहा कि वो किस तरफ देख रहा है, क्या उसके दोस्त रात को कोई इशारा कर रहे हैं जो वो उस तरफ घूरता रहता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और लगभग कुछ समय बाद वो आंखें खोलता है, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आता। 2 दिनों तक ऐसा होता रहा और मैंने उसे कई बार नीचे खींचकर लाने की कोशिश की और वो गुस्सा हो जाता। उसकी आंखें बंद होती, वो नींद में होता, लेकिन गुस्सा वो पूरा करता। मैं अब मम्मी पापा को ये बता रहा था, लेकिन वो कह रहे थे जरूर उस पर प्रेत आत्मा का साया है, पंडित और बाबा जी मान ही नहीं रहे थे। लेकिन मेरा भाई अजीब हरकतें करने लगा था। एक रात जब वो छत पर जा रहा था तो मैंने सोचा था कि उसे जल्दी खींचकर नीचे ले आऊं। वो फिर से एक कोने पर गया और उस तरफ घूरता गया। उसके बाद मैंने देखा जो सामने पेड़ था वो हिल रहा था। ऐसा लगा कोई बिल्ली नीचे से चढ़ी हो उसके ऊपर जाकर बैठी हो। वो इस तरह से हिल रहा था लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया था। मैं काफी देर तक देखता रहा और नीचे गया, एक टॉर्च लेकर आया। मैंने जैसे ही टॉर्च वहां उस पेड़ पर मारी, मुझे वहां पर लाल आंखें नजर आईं। वो काला सा चेहरा, वो सफेद बाल, कोई औरत थी जो वहां पर बैठी हुई थी। मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो तेजी से नीचे की तरफ भागी। कोई इंसान पेड़ इतनी जल्दी उतर नहीं सकता, लेकिन उसके कदम बहुत तेज थे, जैसे वो किसी जानवर की तरह पेड़ को पकड़ पकड़ कर नीचे उतर गई और इतनी तेजी से कि वहां से वो भाग गई। जमीन को जब उसने छुआ था उसका आकार छोटा होता हुआ दिखा था मुझे। पेड़ के पीछे से थोड़ी मिट्टी उड़ी और वो एकदम से गायब। तभी मेरा भाई मेरी तरफ घूर के कहने लगा, तुम छत पर क्या कर रहे हो और तुम मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो। उसके ये शब्द सुनकर उस दिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस पर किसी प्रेत का साया नहीं है, शायद उस पर किसी चुड़ैल का साया है जो उसके शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर से ही उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद अगले दिन हमने पंडित जी को घर पर बुलाया था। हमें डर था जरूर घर पर वो चुड़ैल आती है। पंडित जी ने भी पूरी पूजा की और ये कहा कि यहाँ घर पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है, यहाँ आसपास चुड़ैल का साया हो सकता है जहाँ से वो तुम्हारे भाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैंने बताया उस पेड़ पर मैंने उस चुड़ैल को देखा था, लेकिन मैंने मम्मी पापा को ये नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाते।
मैंने पंडित जी को बताया और पंडित जी उस पेड़ के पास गए थे और उन्होंने कहा था, इस पेड़ पर एक शक्ति का एहसास तो हो रहा है लेकिन वो शक्ति इससे जुड़ी नहीं हुई है, यानी वो इसके अंदर प्रवेश नहीं करती। इस पेड़ के साथ उस शक्ति का कोई जुड़ाव नहीं है, बल्कि कहीं और से वो शक्ति आई होगी, इसे छुआ होगा, इसलिए मैंने एहसास किया वो शक्ति यहाँ थी लेकिन अब जा चुकी है। तुम्हें यह पता करना होगा वो शक्ति कहाँ से आती है, वरना इलाज हम नहीं कर पाएंगे। पंडित जी की उस बात को सुनकर मैं थोड़ा डर गया था। मैं बाबा जी के पास भी गया और वही शब्द उन्होंने भी कहे। वो भी उस पेड़ के पास गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ वो चुड़ैल की शक्ति नहीं है, लेकिन कभी यहाँ आई जरूर थी कुछ समय के लिए। मैंने पूरी घटना बताई थी, इसलिए वो भी मान गए थे कि मुझे ढूंढनी होगी वो जगह जहाँ से उस चुड़ैल का साया इस बच्चे पर पड़ता है। मैं ढूंढना शुरू कर चुका था। मेरा भाई पूरा दिन घर में सोफे पर बैठा ही रहता और शाम के लगभग 5 बजे घर से बाहर निकलता जब सूरज ढलने वाला हो चुका होता। मेरा भाई दोस्तों के घर जाता, कुछ दोस्त अब उसे मना करने लगे थे और वो अकेला गया उस दिन बैट लेकर और ग्राउंड में अकेला खेलने लगा बिल्कुल पागलों की तरह। वो गेंद को फेंकता और भागकर जाकर पकड़ता और गेंद जब वो पकड़ता वहाँ 15-20 मिनट खड़ा रहता, एक तरफ घूरता रहता और मुझे मेरे भाई पर तरस आने लगा था, जैसे उसको किसी शक्तियों ने जकड़ रखा था और मैं उसके बाद उसको देखता रहा। मेरा भाई कई दोस्तों के घर में गया, उसकी बेल बजाई, वो बाहर नहीं आए, लेकिन एक दोस्त के घर गया जिसका घर बहुत पीछे था। वहाँ वो गया, उसने बेल बजाई, कोई बाहर तो नहीं आया। उसने अंदर से इशारा कर दिया और मेरे भाई ने गेट खोला, वो सीढ़ियाँ चढ़ा और छत पर पहुँच गया। वो छत पर खड़ा रहा था काफ़ी आगे तक और किसी तरफ घूरता जा रहा था। मैं देखना चाहता था वो क्या कर रहा है और लगभग 1 घंटे तक वो ऐसा करता रहा। उसके बाद नीचे आया, गेट बंद किया और घर की तरफ निकल गया। मैं भी वहाँ उस घर में गया था। मैंने उस लड़के से पूछा कि मेरा भाई वहाँ क्यों आता है, तो उसने बताया कि पहले तो वो बहुत अच्छा था, खेला करता था, लेकिन अब से कुछ अजीब हरकतें शुरू कर दी हैं। वो एक जगह खड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता और पागलों जैसी हरकतें करता है, अकेला खेलने की कोशिश करता है, लेकिन हम भी उससे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए उसे घर में आने को मना नहीं करते। कई दोस्त मना करते हैं लेकिन मेरी छत उसे बहुत पसंद है, तो वो बाहर से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चला जाता है। मैं कभी उसे मना नहीं करता, वो ऊपर जाकर एक तरफ घूरता रहता है। उस दिन मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ा था, ऊपर गया था और मैंने उस तरफ देखा था जहाँ मेरा भाई देखा करता था। सामने शमशान लगभग 2 घरों के पीछे था, बिल्कुल साफ नज़र आता था और वहाँ पीपल के पेड़ पर मुझे हिलती हुई परछाई नज़र आई थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने घर के पास उस पेड़ पर देखी थी। यकीनन ये चुड़ैल यहाँ शमशान में रहती है और मेरा भाई यहाँ छत पर शायद उसे घूरता रहता है। मैं जब वहाँ पर खड़ा उस चुड़ैल को देख रहा था, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कदम वहाँ जम गए हों। मैं उधर देखे जा रहा था, नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थी। काफ़ी देर मैं वहीं देखे जा रहा था जैसे किसी ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। उसके बाद नीचे से मेरे भाई का दोस्त आया जिसने खींचते हुए मुझे पीछे की तरफ कर दिया और मुझे कहा कि यहाँ क्यों खड़े हो, आपका भाई भी यहीं खड़ा रहता है, पूरा परिवार पागलों का है क्या, तुम कब जाओगे घर, मम्मी कह रही है तुम्हें भेज दो जल्दी। वहाँ उस दिन मुझे खींच लिया गया था और मैं नीचे आया। सच में दिमाग में एक मदहोशी सी छा गई थी, मैं समझ गया था यहाँ क्या हो रहा है, मेरा भाई शायद उस चुड़ैल के साए के अंदर आ चुका है। उसके अगले दिन मैं पंडित जी से भी मिला और उसने मेरे भाई की पूजा करवाई और उसके बाद उस बाबा ने भी यही कहा, हमें उस चुड़ैल को उस शमशान घाट से दूर ले जाना होगा, तभी वो यहाँ बच्चों को छोड़ेगी, वरना ऐसी चुड़ैलें धीरे धीरे बच्चों को अपने वश में करती जाती हैं और ऐसी चुड़ैलों के साए से पूरे के पूरे गांव उजड़ जाते हैं, पूरे गांव में कोई बच्चा नहीं बचता और तुम्हारा भाई धीरे धीरे क्या हरकतें करने लगे किसी को क्या पता। उस रात मैं शमशान नहीं गया था क्योंकि मैं मम्मी पापा को सब कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन पंडित जी और वो बाबा अपने कई साथियों के साथ वहाँ पूजा करने वाले थे। अगले दिन मुझे पता लगा था
चार लोग जख्मी हो गए थे वहां पर। वहां बहुत बड़ी आग लग गई जिसके बाद उनके शरीर पर खरौंचों के निशान भी मिले। मुझे उन्होंने बताया कि चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी और वो बच्चों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। उसने चार बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया था जो घर के ऊपर इसी तरह से एक तरफ घूरते रहते, घर में एक कोने में बैठे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते जैसे उन पर कोई साया आ गया। उस रात उस चुड़ैल को वहां से भगाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी और पूजा विधि पूरी होने के बाद वो चुड़ैल वहां से चली गई थी चीखती हुई। उस रात सच में बहुत आंधी चली थी और बड़ी मुश्किल से उस चुड़ैल को वहां से भगाया जा पाया था। उसके बाद से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया और वो पहले की तरह ही शरारतें करने लगा। मुझे अब भी बहुत खुशी होती है जब मेरा भाई घर में खेलता हुआ मिलता है। पहले तो वो ऐसा सन्न सा हो गया था जैसे बदल गया हो। आज भी मैं उस चुड़ैल के चेहरे को भूल नहीं पाया हूँ जो पेड़ पर मुझे नजर आया था और वो इतनी शक्तिशाली थी मुझे नहीं पता था। मैं अब अपने भाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। वो जब खेलने भी जाता है तो मैं उसके साथ जाता हूँ और कभी कभी खेलने की भी कोशिश करता हूँ जितना समय मुझे मिलता है।